वेलकम 9 जुलाई 2021। आज मुझे सफ़र करना था बजरिया शाह लतीफ एक्सप्रेस हैदराबाद से मीरपुर खास। मैं जैसे ही प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंचा तो 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 3 पर प्लेस हो रही थी, जिसे आज लीड कर रहा था HGMU 30 लोकोमोटिव और उसका नंबर था 8205। तकरीबन 10 मिनट स्टॉप करने के बाद 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस रवाना हुई। मिलत एक्सप्रेस के जाने के फौरन बाद ही 151 अप शाह लतीफ एक्सप्रेस नमूदार हुई, जिसकी लीड पर आज लगा हुआ था लोकोमोटिव HGMU 30 और जिसका नंबर था 8211। वन फिफ्टी वन शाह लतीफ एक्सप्रेस मीरपुर खास जाने के लिए प्लेटफार्म नंबर 3 पर प्लेस हो चुकी थी। इसी दौरान मैंने कुछ खाली बोगियों का जायज़ा लिया जो मुझे बहुत ही पसंद आई। कुशादा नशस्तें थी और कलर्स भी बहुत ही अच्छे थे, अंदर से ट्रेन बहुत ही दिलकश लग रही थी। बिलाखर 11 बजे शाह लतीफ एक्सप्रेस
हैदराबाद रेलवे स्टेशन से मीरपुर खास की तरफ रवाना हुई और आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र शुरू किया। हैदराबाद से मीरपुर खास तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है और सफ़र के दौरान हमें दोनों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ आम और केले के खूबसूरत बागात हैं और उसके अलावा सब्जियों के खेत भी हैं। हैदराबाद और मीरपुर खास के दरमियान जो शहर टंडो अलायार है वो सब्जियों के हवाले से बहुत ही मशहूर शहर है। अगला स्टेशन टंडो जाम का रेलवे स्टेशन था। उससे पहले जब शहर से गुज़र हुआ ईद कुर्बान करीब होने के बायस मवेशी मंडी लगी हुई थी और सड़क के बहुत ही करीब लोग खड़े हुए थे। तकरीबन 5 मिनट स्टॉप करने के बाद टंडो जाम रेलवे स्टेशन से एक बार फिर ट्रेन रवाना हुई। पाँच मिनट टंडो अलायार रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद एक बार फिर ट्रेन मीरपुर खास की तरफ रवाना हुई। जी हाँ, अब हम मीरपुर खास के करीब पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद हम मीरपुर खास रेलवे स्टेशन में दाखिल हो जाएंगे।
तो दोस्तों तकरीबन 12:30 बजे बखैरियत हम रेलवे स्टेशन मीरपुर खास पर पहुंच चुके हैं। सफ़र में साथ देने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।